जी, तो अगला क्वेश्चन है, अकाउंट दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप। समझाइए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, लास्ट लेसन के हैं ये आपके, वायु मॉलिक्यूल लेसन पढ़ा होगा आपने। लास्ट लेसन में आपको बताया गया कि ग्लूकोज में, देखो ग्लूकोज में क्वेश्चन आता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप जानते हो ना, कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये कई टाइप्स का होता है, यहाँ पे आप एल्काइल कंपाउंड जोड़ सकते हो, यहाँ पे आप एच जोड़ सकते हो, तो आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो यही बताना है आपको कि कैसे आप समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और भैया ग्लूकोज में OH भी होते हैं, 5 OH समूह होते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट है, OH समूह उपस्थित है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है हमारा कि समझाइए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है या कार्बोनिल समूह उपस्थित है एल्डिहाइड के फॉर्म में। तो याद रखें इसकी 2-3 रिएक्शन है, या तो आप रिएक्शन करा दीजिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, या फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए ब्रोमीन वाटर के साथ, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको याद हो ऑक्सीडेशन करने पर ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं आप, पढ़ा है ना, तो देखें, चलो देखें बताते हैं। हमें एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को बताना है, तो पहले हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे। और आपको पता है ग्लूकोज का नॉर्मल फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन जब हमें रिएक्शन इसकी लिखना पड़ती है, अभिक्रियाएं लिखना पड़ती हैं, तो हम इसको कैसे बताते हैं बेटा, कैसे नोट करते हैं। तो इसको लिखा जाता है आपका, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके बाद CHOH, ये 4 क्वांटिटी में होते हैं, और ये आपका हो जाता है CH2OH, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी रिएक्शन, आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो, चलो इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ये पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भी जानकारी कर लो कि जब भी एल्डिहाइड समूह एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका CHO है, ये आपका COOH बन जाएगा, और बाकी पूरी चीज जहां के तहां रहेगी, ये आपका बन जाएगा CH2OH, ठीक है। इसका नाम आपका है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा ये। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक रिएक्शन हो गई। अच्छा, दूसरी रिएक्शन आप किसके साथ करा सकते हैं, देखो ये नोट कर लो, देख लो, कुछ नहीं है, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन। अरे भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो है वो यहां अटैच हो जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम आपको बताएं तो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो आप करा सकते हो HCN के साथ, यही प्रूव्ड करने के लिए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन में पढ़ा है, याद रखो। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो H है ये O के साथ जुड़ जाता है अलग, और CN अलग जुड़ जाता, ये आपका बन जाएगा CH, और O जाएगा आपका H के साथ OH, और ये हो जाएगा आपका CN। O और H आपका यहां पेस्ट हो गया, ये आपका CN आपका यहां जुड़ गया, और जो आपका बचा है CHOH का होल 4, और आपका ये है जहां के तहां CH2OH। इससे भी प्रूव्ड होता है क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ ही होगा, एल्डिहाइड और कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप पड़े ना, उनके साथ ही ये होता है और किसी के साथ नहीं होता है। तो ये प्रूव्ड करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा भैया, एक और आप पढ़ सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन एक और बता दे रहे हैं, देखें इसको हटाएं जी, आप इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के फॉर्म में भी के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन का सूत्र क्या होता है, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन फेनाइल हाइड्राजीन 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ये सब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका H2 जो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसका H2 यानी इनका H2
और इनका U ये बाहर रिलीज हो जाएगा और ये पूरा कंपाउंड आके इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो देखो ये H2 और ये O जो है वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये आपका NOH जो है वो यहां पर जुड़ जाएगा NOH, और ये आपका बचा जहां के तहां, इससे कोई चेंज नहीं होता इसमें नीचे। ये आपको प्रूव्ड करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो एक बार और रिवाइज करके देखें, इन रिएक्शनों को बार बार रिपीट करें, बार बार लिखें। जितनी बार आप इन रिएक्शनों को नोट करोगे, लिखोगे, उतनी बार ये आपके माइंड में पेस्ट होगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। बेस्ट ऑफ लक।